नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का कमल थामने वाले तुलसी सिलावट लगता है अभी भी कांग्रेसी माहौल से बाहर नहीं निकल पाए। इसीलिए जिस पूर्व कांग्रेसी नेता तुलसी सिलावट को शिवराज सरकार ने मंत्री का पद दिया, वही सीएम शिवराज और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को कलंक बता रहे। दरअसल हुआ कुछ यूं कि यूपी से भागे मोस्ट वांटेड बदमाश विकास दुबे को मध्य प्रदेश के इंदौर पुलिस ने महाकाल के दरबार से दबोच लिया था। इसी मुद्दे पर मीडिया को बयान दे रहे तुलसी सिलावट ने कह दिया कि देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री ऐसे लोग समाज के लिए कलंक है। सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना है। ये सुनो, देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऐसे लोग समाज के लिए कलंक है। देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऐसे लोग समाज के लिए कलंक है। इनका जो सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना, और जो घटना घटी है ये हमारे समाज के लिए। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए तुलसी सिलावट कलंक तो विकास दुबे को कहना चाह रहे थे, लेकिन उनकी जुबान फिसल गई, जिस पर कांग्रेस नेता सरल पटेल ने कहा, मध्य प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट पीएम मोदी, सीएम योगी और सीएम शिवराज को देश के लिए कलंक बता रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने ट्वीट कर कहा, तुलसी सिलावट जमीर बेच दिया, 40 साल कांग्रेस के संस्कार कैसे बेचोगे, रह रहकर सच बोलोगे। कांग्रेस हमलावर हुई तो शिवराज सरकार में मंत्री तुलसी सिलावट ने कानूनी कार्रवाई की धमकी दे दी। विकास दुबे जो कि बहुत बड़ा गुंडा था, ये समाज के लिए एक कलंक है, और इस अपराधी के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई थी, मैंने देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया था। सोशल मीडिया पर कांग्रेस द्वारा गलत तरीके से मेरे इस बयान को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और इन पे कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करूंगा। बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जाने वाले तुलसी सिलावट भी उनके साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। सिंधिया को बीजेपी ने राज्यसभा भेज दिया, जबकि तुलसी सिलावट को शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वो कांग्रेस से 4 बार विधायक रहने के साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं।